अस्सलाम वालेकुम मेरे मोजेस काबले एहतराम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रमीज़ राजा। नाज़रीन, आज इस शख्सियत का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। वो अपने आप में बहुत बड़े इंसान हैं, मुसव्वरी के बेताज बादशाह। उनकी मुसव्वरी की पेंटिंग पूरी दुनिया में नुमाइश के लिए पेश की जाती है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एहसासा है। और ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज मैं उनका इंटरव्यू लेने आया हूँ। यकीनन आप मेरे अल्फाज से जान चुके होंगे कि मैं किस शख्स का नाम ले रहा हूँ। मुसव्वरी के बेताज बादशाह किसी तारफ के मुताज नहीं, जनाब शाहिद रसाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे जान सके। सर कुछ सवाल हैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मेरे लिए शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, मुझे आगे जाके काम आए। सर आर्ट्स एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है, मुसव्वरी क्या है, मतलब आर्ट क्या है सर, आप इसके बारे में बयान करें। देखिए आर्ट की बहुत सारी डेफिनेशन आम तौर पे की जाती हैं, कोई इसे अपने जज्बात का इजहार का नाम देता है, कोई इसको मोहब्बत के इजहार का नाम देता है, कोई इसे, मेरी नज़र में जो आर्ट है वो बुनियादी तौर पे ज़िंदगी का एक अक्स है और इट्स अ ट्रूली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। अगर उसके अंदर आर्ट, किसी भी पीस ऑफ आर्ट में ज़िंदगी का अक्स नहीं है, ज़िंदगी की तस्वीर नहीं है, तो वो फिर डेकोरेटिव आर्ट तो हो सकता है, वो एक्चुअल फाइन आर्ट नहीं हो सकता। तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ। और ये बहुत वसी दुनिया है, अगर आप इस कायनात को देखें तो इस कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बग़ैर आर्ट के मुमकिन हो सके। चाहे आप नेचर की बात कर लें, या परिंदों की, या हवाओं की, हर चीज़ के अंदर एक हुस्न, एक जमाल और एक ज़िंदगी का एक रम्ज शामिल है, जो उसके बग़ैर और तख्लीक कायनात की तख्लीक करने वाले ने बुनियादी अंसर ज़िंदगी में भी आर्ट ही रखा है। अगर आप जी, हम अपनी ज़िंदगी से आर्ट को निकाल दें तो हम और आप पत्ते बांध के घूम रहे हैं। ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी एक आर्ट है। हम घर को सजाते हैं, तरतीब से रखते हैं, एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास प्रोपोर्शन के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं, आर्ट है। लेकिन आर्ट तो आपकी ज़िंदगी उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि भाई ये जो कपड़े पहने हैं ये किसी आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किए, आप जिस घर में रहते हैं मैं और आप, वो किसी ने डिज़ाइन किया है, हम जिस गाड़ी में घूमते हैं, इवन जो हम टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी, मोबाइल भी, कार हो, जहाज़ हो, वट एवर, ड्राइंग के बगैर, आर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। पहले वो ड्रॉ किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि ये इस शक्ल की चीज़ होगी, फिर उसके बाद उसकी बाकी टेक्निकलिटीज़ जो है उस पर काम किया जाता है। बिल्कुल सर, मुसव्वरी करना, और सर एक को होता है कि पोट्री तो करना ठीक है, लेकिन आप में माशाल्लाह पोट्री को, उसको बयान को आपने मुसव्वरी पे आपने लाया, मतलब वो शायरी, चूँकि खुशकस्मती से मेरी जो तरबियत हुई वो बिल्कुल एक शायर अदबी माहौल में हुई, जिसमें बहुत बड़े बड़े शायर राइटर जिन्होंने यानी मेरी तरबियत की और उन्हीं की उस फैज़ की बदौलत मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। मिसाल के तौर पे जॉन एलिया ने मेरा नाम रखा, उनके साथ बहुत कुर्बत रही। फिर इसी तरह से यूसुफी साहब मेरे मुर्शिद हैं, जिन्होंने मेरे मुसव्वरी में अगर देखा जाए तो मैंने सादतैन साहब की जूतियाँ सीधी करने का मुझे मौका मिला, मेरे उस्ताद इकबाल महनी साहब जिनसे मैंने फोटो पेंटिंग सीखी, तो ये बुनियादी उसमें शामिल था। फिर मुझे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से स्कॉलरशिप मिला और मैं फिर इंग्लैंड पढ़ने गया। और मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि बिल्कुल जैसे आपने अपने बता रहे थे मुझे कि आप जहाँ रहते हैं, तो मैं कोरंगी में रहा करता था। अच्छा। और मेरा ताल्लुक भी बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। ये बताने का मकसद इसलिए है कि बकौल अंदर मखसूस आपके कि वो गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, गरीब रहना
वो आपकी नाअहली और नालायकी है। आप ज़िंदगी में जितनी मेहनत करते हैं और उतना ही, क्योंकि इस पूरी कायनात का, पूरी दुनिया का कम से कम जो निज़ाम है वो सिर्फ़ एक चीज़ पे, ना वो मज़हब की बुनियाद पे है, ना कास्ट क्रीड की बुनियाद पे, वो है सिर्फ मेहनत। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना अजर मिलता है, उसका फल मिलता है। और मेहनत कभी रायगा नहीं जाता, याद रखिए, उसका रिवॉर्ड आज नहीं मिलेगा, जुस्से के बाद मिलेगा। सर, आपने जैसे मेहनत से बात की, मेरा अगला सवाल भी इसी से कि हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है दुनिया में आने का, चाहे वो किसी भी पेशन से हो, किसी भी वर्क से हो, कोई भी फील्ड हो। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपने फ़न से लोहा मनवाए, अपने चाहने वालों से मुसव्वरी के लिहाज से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ की बात कहता हूँ कि कुदरत ने तमाम इंसानों को यकसां बराबर पैदा किया है। अगर किसी में कोई कमी है, मुझ में कोई कमी है, तो मुझे जिस्मानी अगर कोई चीज़ होगी तो मुझे कहीं दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ के तौर पे दे दी होगी। मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है जो कि दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है सोच, तो इसी तरह से हर इंसान को कोई ना कोई कमाल, कोई ना कोई जौहर अता किया होता है। और जो लोग अपने इस जौहर को पहचान लेते हैं वो कुछ खवास बन जाते हैं, जो लोग नहीं पहचान पाते वो अपने ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपके जीने का मकसद क्या है, खाना पीना, सोना, उसके बाद मर जाना, ये हरगिज़ नहीं। और ना ही ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप हर वक्त टक्करें मार रहे हैं, समझे, वो भी मकसद नहीं है। क्योंकि उसके लिए अगर होता तो अल्लाह के पास जो है अपने फरिश्ते और जिन्नों में लायक वगैरह वगैरह वो बहुत काफ़ी थे। इंसान का मकसद जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ मुचाई का एक मिसरा है और उसका मतलब ही यही है कि मैन इज़ माई सीक्रेट एंड आई एम सीक्रेट ऑफ ऑल, यानी इंसान मेरा राज और मैं इंसान का। जब आप अपने होने का मकसद पहचान जाते हैं तो आपने मुझसे पूछा तो मुझे ऊपर वाले ने न सिर्फ शऊर दिया बल्कि मुझे वो अपने वो हुस्न भी अता किया जिससे मैं, वो रोशनी अता की जिससे मैं ये पहचान सकूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लिहाजा अपने मुसव्वरी के साथ साथ इसकी तालीम और इसकी तरवीज के लिए काम किया जाए, और वो लोग जो एक पेंसिल भी नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए कुछ कोई सिलसिला शुरू किया जाए। तो जब मैं कनाडा से वापस आया तो मैंने इस इदारे को, जो कि एक तारीखी इदारा है, आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया। और यहाँ पे हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर और अपने खैरख्वाहों के साथ मिलकर, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम राशिद अब्दुल्ला साहब का है, शाह साहब हैं जो आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं, फिर आपका शौकत तरीन साहब से बैंक के, वो आफ्ताब टपाल साहब वगैरह के साथ मिल के हमने यहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। और वो बच्चे बच्चियाँ जिनके अंदर वो टैलेंट मौजूद है और लेकिन उनके घर वालों के पास वो वसाइल नहीं है, तो हमने उनके लिए आर्ट एजुकेशन जो है, क्वालिटी आर्ट एजुकेशन बिल्कुल फ्री, और वही नहीं बल्कि उनके लिए हमने आर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड किया ताकि ज़िंदगी में वो कुछ अपने फ़न को न सिर्फ आगे बढ़ाएं बल्कि उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो ज़िंदगी में आगे ऊँची उड़ान उठ सके। हमने देखा कि आजकल जो पहले की मुसव्वरी हुआ करती थी और आजकल की मुसव्वरी में मतलब बहुत कमी देखने को आ गई, मतलब लोग पता नहीं इससे क्यों उकता आगे। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उकताने की बात नहीं है, हमारे एज फार एज आर सोसाइटी इज़ कंसर्न, हमारे माशरे का मसला जो बुनियादी तौर पर है वो अभी हम भूख, सेहत, बुनियादी तालीम, साफ़ पानी या इवन साफ़ हवा, इस अब तो जो वर्स्ट सूरत हाल सामने आई, अभी तक हम 70-72 सालों में अनफॉर्चुनेटली हम सीवेज लाइन नहीं बना सकें, सीवेज सिस्टम नहीं डेवलप कर सकें। तो हमारी, हमें जिन मसाइल में उलझाया हुआ है एक ख़ास माफिया ने, एक ख़ास इलीट क्लास ने या एक ख़ास इस्टेब्लिशमेंट ने, तो हम कुछ और सोचने समझने के काबिल ही हमें नहीं छोड़ा है।
वरना ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोग आर्ट नहीं करना चाहते, ये म्यूज़िक नहीं करना चाहते, या ज़िंदगी में फ़नून लतीफ़ा से उनको प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो तबाही हुई है वो तबाही ये हुई है कि एक तो मज़हब जो है वो सोसाइटी में इंजेक्ट किया गया, समझे, शिद्दत पसंदी इंजेक्ट की गई, तो उसके असरात ने इंसान को कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ा, यानी वो ये समझने से कासिर हैं कि फबी आला है रब्बी कुमा तुकज़िबान का मतलब क्या है। उसका मतलब उसने कहा कि हमने जो ये कायनात तुम्हारे लिए बनाई, तुम उसकी किस किस नेमतों का शुक्र अदा करोगे भाई, कौन और नेमतें क्या हैं, क्या हुस्न नेमत नहीं है, क्या फूल नेमत नहीं है, क्या फन नेमत नहीं है जी सर। तो हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा गया, तो जिसकी वजह से हम मुसलसल तनज़ली का शिकार हैं, मुसलसल एक उसका शिकार है। फिर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरीके से आप समझते हैं आर्ट, कोई बहुत अनयूजुअल उसको ना देखें, उसको बिल्कुल ऐसे ही लीजिए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर या दूसरे प्रोफेशन होते हैं, उसको ब्रैकेट ना करें, क्योंकि इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड। आपकी एनिमेशन से लेकर, ग्राफिक डिज़ाइन से लेकर, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन इंडस्ट्री से लेकर, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना आर्ट के पॉसिबल हो? मुसव्वरी का शौक़ रखते हैं, जो आर्ट्स का शौक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे आए, अपना हुनर दिखाएं, तो सर उनके लिए ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि जो वो अपना हुनर आके दिखा सकें? उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये आर्ट्स काउंसिल है, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, जिसका मैं खुशकस्मती से मुझे चूँकि इस पर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम इस अहदे पे रहे हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ उसका, तो यहाँ पे आके रब्ता कर सकते हैं। और हमारा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी है प्योर टैलेंट जी सर, सेकंड मोस्ट डिजर्विंग पीपल जी सर, और तीसरी चीज़ जो हम उनको प्रोवाइड कर देखते हैं वो ये देखते हैं उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट। तीन चीज़ें हमारे यहाँ हैं जिसकी बुनियाद पर हम वो स्कॉलरशिप देते हैं और मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करते हैं उनको। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, लिटरेचर पढ़ाते हैं, फोटोग्राफी पढ़ाते हैं, फिल्म मेकिंग, यानी बहुत जितने शोबे हैं वो हम उनको सबकी तालीम देते हैं। जी बहुत बिल्कुल सर, ये तो अच्छी बात है, हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे यूथ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर माशाल्लाह आपने अपना फ़न का लोहा पूरी दुनिया में मनवाए। एक सवाल है कि सर मुसव्वरी के लिहाज से माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में गए, आपने विज़िट किए, तो सर आपके ख्याल में ऐसा कौन सा ममालिक है जो मुसव्वरी के लिहाज से जो सबसे अच्छा आर्ट वाला ममालिक हो? मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ वो होते हैं इंस्पिरेशन। मैं चूँकि अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुम अपने आखिरी अय्याम कहाँ गुजारना चाहते हो जी सर, तो कुछ लोग जो है अपने होली प्लेसेस के नाम लेते हैं, कोई वेटिकन में गुजारना चाहता है, तो कोई मक्के में, कोई मदीने में, कोई अपने कहीं और। मैं अपने अगर मुझसे पूछें तो जहाँ पे मुझे एक एक चीज़ उस शहर की एक एक चीज़ में उसकी गली गली कोने कोने एक एक चप्पे चप्पे में जहाँ फ़न की खुशबू, मौसीकी की खुशबू, मुसव्वरी की खुशबू दिखाई दी, सुनाई दी, वह है पेरिस। पेरिस, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। आई वुड लव टू स्पेंड एंड डाई ओवर देयर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, आपके हम शुक्रगुजार हैं। तो सर जाते जाते आप जो आपके मुसव्वरी के फैंस है, जो आपके मुसव्वरी से मोहब्बत करने वाले, आपके चाहने वाले फैनों की तादाद है, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो? मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात, सब दोस्तों से एक ही बात हमेशा से कहता हूँ कि ज़िंदगी में मायूसी जो है वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी जी सर। उम्मीद ख्वाब इंसान को आगे लेके जाते हैं, और ख्वाब सिर्फ देखने से नहीं बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ख्वाब को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मौका देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगेन आपने वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।
जी नाज़रीन, यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा जो हमारे लेजेंड स्टार शाहिद रसम साहब की मुसव्वरी की आपने गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में जाना। जो मुसव्वरी का शौक़ रखते हैं यकीनन उनको सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप मज़ीद इसी तरह वीडियो देखना चाहते तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।